Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पे, जहां पर हम ये पांच एजुकेटर्स आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और गाइस, सेशन हमारा शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे यहां पर आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। और सब लोग सेशन को लाइक करेंगे, और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, जो भी हैं, उस पे हमारे वीडियोस को शेयर भी करेंगे। चलिए तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, 9 AM पे मैं करंट अफेयर्स क्लास देता हूं, और 10 AM पे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQC क्लास हमारी होती है। गाइस, एक बात आपको और ध्यान देनी है, आज 10 AM पे जो मेरी क्लास होगी वो बैंकिंग अवेयरनेस पर होगी, MCQ बेस पर। आपको पता है IBPS क्लरिकल की वैकेंसी आ चुकी है, 12,000 वैकेंसी है, 12,000 वैकेंसीज हैं, और टाइम बहुत है हमारे पास, आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं हम अगर हम आज से ही ठान लें तो। ठीक, तो सारे जीए के सारे सेशन को मिस मत करिएगा, चाहे वो सीए हो, चाहे वो आपका ये जो मैं कराता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs, स्टैटिक जीए, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस, चाहे करंट अफेयर्स का जो भी हमारा रिवीजन होता है, जरूर देखिए उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर भी मैं फ्री में लेसंस लेता हूं, आफ्टर दैट मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पेड बैच भी चलते हैं। तो मेरे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको मुझे अनअकैडमी प्लस पर आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस, सारे कंटेंट, सारे PDF मिलते रहेंगे। ठीक, और अगर मेरा कोई लेटेस्ट कोई पेड बैच आता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगी। गाइज, मेरे दो बैच चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैच है ये क्यों है? क्योंकि हमने मार्च से कवर किया है करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्म में, और करीब करीब आपको हर महीने में हम कम से कम 400 क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी मिला जुला के आपको हम मोर देन 5000 क्वेश्चंस दे रहे हैं। इस सेशन को जरूर देखिए, मे भी ये मतलब आपके कुछ लेक्चर्स छूट जाए। देखिए, है क्या ना, कंटेंट की बात है, सारे कंटेंट आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। आपके जो भी लेक्चर अभी छूटे भी है ना, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़े। लेक्चर से इंपॉर्टेंट उसका कंटेंट है, बिकॉज हमने छांट छांट के क्वेश्चंस रखे हैं, और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं सिमिलर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में देखने को मिला था, ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने की कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें कवर हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, इसे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी है आपके लिए। उसके बाद अगर हम IBPS क्लर्क मेंस तक अपने आप को देख रहे हैं, या फिर हमारा IBPS PO है, इंटरव्यू होगा हमारा, ये बैच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंफॉर्मेशन आपके इंटरव्यू तक कवर होती है। बहुत सारे बच्चे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू है, उन्होंने ये बैच लिया हुआ है। तो इस बैच से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और अगर आप क्लैरिकल की बात करते हैं तो क्लैरिकल में कम से कम फाइनेंशियल अवेयरनेस, अकेले फाइनेंशियल अवेयरनेस 10 नंबर की आती है। बैंकिंग छोड़ दीजिए, बैंकिंग के 4-5 क्वेश्चन और आते हैं। तो ये भी बैच अब काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। इन दोनों बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे काफी इंपॉर्टेंट है। कंटेंट की बात करें तो ये मेरा वादा है आपसे कि ऐसा कंटेंट आपको पूरे कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा आपसे। चलिए, इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस समय अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं। यहां पर आपको एक स्मार्ट सा बंदा दिख रहा होगा, काफी डैशिंग, और शायद आप पहचान रहे हैं ना, ये है, तो मैं भी पहचान रहा हूं। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, स्टूडियो जो हमारा वॉल्ट है उस पर पढ़ा रहे हैं, तो आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है ना, पहचान रहे ना इसे, कोई तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं, देखिए, अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास लर्निंग ऐप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, आप जब इंस्टॉल करेंगे, देखिए, जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको पता है, जो बच्चे नए हैं, ये इस तरह से आपके मोबाइल में ये फॉर्मेट खुल के आएगा, और इस फॉर्मेट में आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर बैंक एग्जाम है तो आप बैंक एग्जाम पे क्लिक कर दें, यहां पर क्लिक कर दें गोल के ऑप्शन में आकर, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। है मुझे पहचाना किसी ने? अरे मैं ही हूं, अभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है, समझे कि नहीं? अभिषेक को चेक कर, बहुत मार खाओगे। चलो, ये देखो, यहां पर इस तरह एक पेज खुल के आएगा, और आपके सामने ऑप्शन है कि आप हमारा पेड बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। मैं आपको एडवाइस दूंगा, अभी क्लैरिकल मेंस का एग्जाम जनवरी तक खींचेगा। अगर आप 1 महीने का या 3 महीने का कोर्स लेते हैं हमारा, तो आपको फिर से पे करना पड़ेगा, बिकॉज क्लैरिकल मेंस के बाद फिर IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनकी वैकेंसी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अभी तक क्लैरिकल में उन्होंने अपनी वैकेंसी स्पेसिफाई नहीं की है, तो इंडिविजुअली ले सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, तो आप एटलीस्ट 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स हमारा लीजिए। ठीक, जब आप क्लिक करते हो, मान लीजिए आपने 12 मंथ पे क्लिक किया, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक किया, तो इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके सामने बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, और यहां पर आपसे कोड पूछेगा, ये AM लाइव, ये मेरा कोड है,
ये मेरा अभिजीत मिश्रा लाइव, इस कोड को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फीस 5000 है तो अप्लाई करते ही आपकी ये फीस 4500 की हो जाएगी। तो आप चाहे 1 month, 3 month, 6 month किसी की बात करें, आपको ये कोड डालने पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए ये डेस्कटॉप वर्जन हमारा है। अगर आप SSC रेलवे इनकी तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें भी एडमिशन लेते हैं और आप मेरा कोड वहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, इस कोड से या अनअकैडमी प्लस से फायदा आपको क्या है? आपको ढेर सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, फैकल्टी जो आपको एग्जैक्ट पढ़ा रहा है वो डेटा आपको मिल जाएगा, वो कंटेंट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को पेड बैच में किससे आती है? आप लोग पेड बैच लिए होंगे, एजुकेटर्स कुछ और पढ़ा रहा है और पीडीएफ कुछ और मिल रहा है, क्वेश्चन कुछ और मिल रहे हैं। अनअकैडमी प्लस पर क्या होता है कि एजुकेटर्स जो पढ़ाता है वही पीडीएफ आपको मिलता है और एजुकेटर्स ही क्वेश्चन बनाता है, तो अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। तो फैकल्टी से इंट्रैक्शन आपका होगा, कंटेंट मिल जाएंगे, फ्री लेसन्स मिल जाएंगे आपको, स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, तो इतना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये फीस आप जो पे करते हो वो फीस किसी एक एजुकेटर के लिए नहीं। अगर आप मान लीजिए मेरे लिए एडमिशन लेते हो तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर बैंकिंग की बात करें, मोर देन 60 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो सबकी प्रोफाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी, आप किसी की भी क्लास देख सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो आपकी फीस कम हो जाएगी। आपको मेरा ये कोड डायल करना है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास दो साल का भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और दो साल का मॉडल अगर आप लेते हैं तो ये अच्छी बात है कि आपको ये काफी जेन्युइन, काफी ये चीप पड़ेगा, 7200 दो साल के लिए। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, लेकिन आपको AM लाइव कोड यूज करना है, यहां पर देख लीजिए, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तभी चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारी बात बड़ी पेशेंसली सुनी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब बात करेंगे हम लोग अपने करंट अफेयर्स की। तो दुनिया के बेस्ट करंट अफेयर्स में आपका मोस्ट वेलकम है ना, और 13 सितंबर करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट हमारे पास है आइए देखते हैं उसके बाद। अब यहां पर काफी बातचीत भी हो रही है। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि एजुकेशन भी इसमें हो जाता है, कुछ लोग अपना बातचीत करते हैं, हाय हेलो करते हैं, हालचाल लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मेट्रो स्टेशन होता है ना, मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन बना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारे और भी काम होते हैं। दिल्ली में आप देखेंगे GTB नगर में पूरे बच्चे पढ़ते रहते हैं मेट्रो स्टेशन पे, कैसे हो सकता है ऐसा? तो हम इंडियंस जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं, तो रिसोर्सेज हैं कितना यूज कर ले उसे, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, और हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? यू आर द ओनली वन हु कैन लिमिट योर ये क्या लिखा हुआ, यू कैन लिमिट योर ग्रेटनेस। आप एक ऐसे पर्सन है, आप एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी ग्रेटनेस को भी लिमिट कर सकते हैं, जो कि अपने पोटेंशियल को भी लिमिट कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। कल बड़े मजे की बात हुई, कल मैं जा रहा था, एक्चुअली मैं रात में घूमने निकलता हूं, मतलब 8:30 से 10 o'clock मेरा फिक्स है, मेरे दोस्त लोग हैं। तो कल मैं जा रहा था तो दो लड़के मेरा पीछा करने लगे बाइक से, और सुनसान रास्ता था, हालांकि मैं डरता वरता नहीं हूं, भगवान ने ठीक ठाक दिया कुछ, तो दो मेरा पीछा कर रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे, वो कोई मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा ये क्या बात है यार। चलो मैं कुछ आगे बढ़ता गया तो उन्होंने मुझे ओवरटेक किया, रुका, तो बोला कि सर आप अभिजीत सर है ना? तो मैंने बोला हाँ। कि सर हम तुम फॉलो करते हैं, बहुत दिन से फॉलो करते हैं, और वो लोग जॉब करते हैं एग्जैक्टली में। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सर बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी, लेकिन अभी क्या है सर, तो उसमें एक बंदा SBI PO था और एक बंदा बैंक ऑफ बड़ौदा PO था, दोनों सेलेक्ट हुए थे अभी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने बोला कि सर वही माइंडसेट की बात है, वो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब उन्होंने छोड़ा, तैयारी की, सिलेक्शन ले लिया। ये माइंडसेट की बात होती है। माइंडसेट का मतलब क्या हुआ, एक साइड में जब आप जॉब छोड़ के तैयारी की बात करते हो ना, तो जब तैयारियों में आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो आप क्या सोचते हो कि यार जॉब ही अच्छी थी, फालतू उसमें लग गए। तो माइंडसेट की बात है, कुछ भी करिए एकदम खुश होकर करिए, एंजॉय कैसे करिए कि नहीं ये ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं यार कि आप इसके लिए थोड़ी ना बने हो कि आपको बैंक PO लास्ट बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको काफी आगे जाना है। सोचिए, बड़ा सोचिए, आप जरूर आगे जाएंगे। लिमिट मत करिए अपने आप, अपने आप को लिमिटेशन में रखने की जरूरत नहीं है, अपने पोटेंशियल को बांधने की जरूरत नहीं है। कभी कभी रात में आप पढ़ते हो ऐसा लगता है ना कि यार चलो सो जाते हैं, कल पढ़ते हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज मूड ऑफ है। उस मूड को ऑफ को आप हटा सकते हैं, बाहर जाइए, घूमिए टहलिए, वापस आइए, पढ़िए। जिस सिचुएशन पे आकर आपका माइंड, आपकी बॉडी आपको रोकती है, समझ लीजिए कि अगर आप रुक गए तो आप फिर रॉकस्टार नहीं बन पाएंगे। उसी समय उठिए, मुंह हाथ धोइए, यहां वहां घूमिए, थोड़ा मूवी देख लीजिए, मोबाइल खोलिए, फिर बैठिए और तुरंत पढ़ लीजिए। आप देखिए करिए, अच्छा लगेगा आपको ये सब चीजें। चलिए
तो आइए तो अपना सीए शुरू करते हैं और बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमी के साथ अपनी शुरुआत करेंगे गाइस। और सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम आईडीबीआई बैंक और एलआईसी की बात करें गाइस। एलआईसी के बारे में आप लोग जानते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंडर में बहुत सारी सब्सिडरी हैं, जैसे एलआईसी एचएफएल जिसका एग्जाम है ना अभी 22 को, या फिर आईडीबीआई बैंक, यह भी एलआईसी के अंडर में काम करता है। और एलआईसी की एक और सब्सिडरी है एलआईसी सीएसएल, CSL, इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो LIC CSL और IDBI ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है LIC CSL ने और IDBI बैंक में। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो IDBI बैंक का फुल फॉर्म आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, IDBI बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड सर्विसेस, ये LIC के अंडर में एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कि क्रेडिट कार्ड्स में काम करती है। तो इन लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के। ये को ब्रांडेड वाले एग्जाम में क्वेश्चन काफी आते हैं, इसीलिए मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज मालूम चल गई ना, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड IDBI और LIC CSL, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको। IDBI बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपको पता है, टैगलाइन आओ सोचें बड़ा। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हेमंत भार्गवा और MD CEO राकेश शर्मा, ये IDBI बैंक के बारे में कुछ स्टडी पॉइंट है, हर बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि IDBI बैंक हमेशा न्यूज में रहता है। कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में घोषित कर दिया है, बट परेशान ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है वो एग्जैक्टली, में आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से वो प्राइवेट है, बट एलआईसी का इसमें शेयर, और वैसे भी आरबीआई ने बोल दिया एलआईसी से कि अपने शेयर कम करिए, तो गवर्नमेंट के 49% शेयर हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए, जिसका अभी आईडीबीआई का इंटरव्यू है उसके लिए बोल रहा था। एलआईसी की बात कर ले तो एलआईसी को 1 सितंबर 1956 में फाउंड किया गया, यह हमारे देश की पहली सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन एम आर कुमार हैं, नया अपॉइंटमेंट है, यह भी आपको लर्न करना चाहिए, नया अपॉइंटमेंट है। और टैगलाइन योगक्षम वहा मयम, ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है संस्कृत में, ठीक। बहुत सारे बच्चे जिंदगी के बाद भी जिंदगी शादी पढ़ लेते हैं, वो सब एक्चुअली में एलआईसी के प्रोडक्ट की टैगलाइन है, ये एलआईसी का टैगलाइन है, ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोग बोल रहे हैं, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, आप लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, यही तो है ऑनलाइन स्टडी का एक जलवा, कि आप अच्छे एजुकेटर से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज हो जाती है कि हाँ ऐसे ऐसे हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की, आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट उसमें हम पढ़ेंगे। देखिए तो हीरो मोटोकॉर्प चेयरमैन एंड MD CEO, नाम क्या है इनका, पवन मुंजला। तो पवन मुंजाल की बात करें, टू बी इंडक्टेड इन 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम। तो हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन, एमडी और सीईओ, नाम क्या है इनका, नाम आपके सामने है पवन मुंजाल, इनको 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने काफी मतलब इस स्पोर्ट्स को इंडिया में बढ़ाया है, गोल्फ को, इसीलिए इनको शामिल किया गया है। देख लीजिए, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है, पवन मुंजाल, ये कौन है आप लोग जानते हैं, ये चेयरमैन MD CEO है हीरो मोटोकॉर्प के। कहां पे सेलेक्ट हुए हैं, तो 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में ये सेलेक्ट हुए हैं। फॉर विच वर्क, क्यों भाई, क्यों सेलेक्ट हुए हैं, तो फॉर हिज सपोर्ट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। क्लियर हो गई बात, तो हम गोल्फ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हॉल ऑफ फेम में ये शामिल किए गए। पवन मुंजाल कौन है ये पर्सन, तो ये हीरो मोटोकॉर्प के MD CEO चेयरमैन भी हैं। चलिए बढ़िया, आपस में बातचीत करते रहिए, हाँ, लेकिन यहां भी बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर की। तो रणबीर सिंह की बात करें, बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह साइंड एज JBL न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये बहुत बड़ी बात है। तो JBL, आप लोग में भी इसका हेडफोन स्पीकर सुनते होंगे, सारे सुनते होंगे, तो JBL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है रणबीर सिंह को। ये हमारी आज की अपॉइंटमेंट की दूसरी न्यूज है, अच्छी न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। रेलवे, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आप किसी भी एग्जाम की बात करिए, ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन काफी आते हैं। एक दिन मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और अब थर्ड, देखिए ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी हो गई है, आप लोगों ने पहले ही टेलीग्राम में चैनल में इसे शेयर कर दिया, बट और भी बच्चे देखते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सबको पढ़ाया जाए, ठीक है। देखिए, पीके मिश्रा अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, अदर देन
पीके सिन्हा अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर। गाइस पीके मिश्रा और पीके सिन्हा में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। पीके मिश्रा, पीके सिन्हा, दो लोग की हम बात कर रहे हैं, आपके सामने इमेज भी दोनों लोग की है। देखिए तो पहले हम प्रमोद कुमार मिश्रा जी की बात कर लेते हैं। 71 ईयर एज इनकी, मतलब 71 ईयर ओल्ड है ये। किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं पीके मिश्रा? तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये नृपेंद्र मिश्रा को सक्सीड करेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नृपेंद्र मिश्रा को ये सक्सीड करेंगे, मतलब रिप्लेस करेंगे। अच्छा एक बात और, अगर हम प्रमोद कुमार मिश्रा जी की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये भी दिया है, इन्हें यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड 2019 के लिए चुना गया था, अगर आपको याद हो तो पीके मिश्रा को यूनाइटेड नेशन सासाकावा अवार्ड के लिए भी चुना गया था। तो यह भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन अब बन सकता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं, तो इन पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यह पॉइंट क्लियर है, आपने नोट्स बना लिया होगा, आगे बढ़े गाइस। और अब पीके सिन्हा की बात कर ले, तो पीके सिन्हा 64 ईयर ओल्ड है, इन्हें कौन सी पोस्ट मिली है? प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। और राइट नाउ अभी ये क्या काम कर रहे थे? ये ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी थे पीएमओ में, लेकिन अब ये क्या बन गए? ये प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो हमने तीन तीन अपॉइंटमेंट की बात की, तीन अपॉइंटमेंट और एक बैंकिंग फाइनेंस के न्यूज की बात की, मतलब चार न्यूज यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। हम आगे बढ़ेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी में आपके लिए हम क्या लेकर आए, आइए देखते हैं। देखिए तो हम सैमसंग की बात करेंगे। सैमसंग ने दो एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, एक एप्लीकेशन है गुड वाइब्स और दूसरा रेल्यूमिनो ऐप फॉर डीफ ब्लाइंड एंड विजुअली इंपायर्ड पीपल इन इंडिया। डीफ ब्लाइंड लोग के लिए गुड वाइब्स और विजुअली इंपायर्ड के लिए रेल्यूमिनो, दो एप्लीकेशन लॉन्च हुए। यकीन मानिए गाइस, ये जो एप्लीकेशन होते हैं एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए आप इसे हमारे मेन पेज पे देख रहे हो। तो सैमसंग ने दो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, फॉर डीफ एंड ब्लाइंड के लिए गुड वाइब्स एंड फॉर विजुअली इंपायर्ड के लिए रेल्यूमिनो। ये दोनों आपको लर्न करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते दोनों के वर्क क्या है, क्या क्या पॉइंट है। देखिए किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सैमसंग ने। कितने एप्लीकेशन? दो एप्लीकेशन। अब गुड वाइब्स एक एप्लीकेशन, इसका काम क्या है? देखिए कम्युनिकेशन टूल फॉर डीफ एंड ब्लाइंड पीपल, तो डीफ एंड ब्लाइंड पीपल के लिए कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करेगा गुड वाइब्स एप्लीकेशन। और रेल्यूमिनो की बात करें, रेल्यूमिनो तो ये क्या काम करेगा? देखिए दैट हेल्प्स द विजुअली इंपायर्ड पीपल टू सी द इमेज क्लियर। तो ये विजुअली एम्पायर्ड लोग के लिए काम करेगा रेल्यूमिनो, आपको ये याद करना पड़ेगा। इस गुड वाइब्स और रेल्यूमिनो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, सैमसंग ने लॉन्च किया है, याद रख लीजिएगा, दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये एप्लीकेशन बहुत आते हैं, ठीक। चलिए तो ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अबाउट सैमसंग की बात कर ले। तो 1 मार्च 1938 में सैमसंग को बनाया गया था, बट सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, सियोल में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडर ली ब्यूंग चुल है, फाउंडर है, ठीक। अब जरा मुझे बताइए कि साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, कमेंट कर दिएगा, ठीक है, साउथ कोरिया करेंसी क्या है कमेंट कर दिएगा मुझे। आइए रिसेंट एप्लीकेशन इन न्यूज की बात करें। अब चूंकि हमारा शो है और रिविजन ना हो तो मतलब बेकार है, ये तो हमारी मोनोपोली है, ये हमारे करंट अफेयर्स की मोनोपोली है जो हमने आपने मिलकर बनाया है। टेबुलर फॉर्म रिवीजन कौन कराता है भाई, इतना टाइम किसके पास है इतना। आइए देखिए तो मैंने आपको एक दिन सीएचसी फार्म मशीनरी एप्लीकेशन के बारे में बताया था, आपको शायद याद होगा ये एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था ये एप्लीकेशन मल्टीलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इससे क्या फायदा होगा कि अगर एक फार्मर है तो वो अफोर्डेबल एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू देयर डोरस्टेप, मतलब आपको जो भी फार्मिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए विद इन 50 किलोमीटर रेंज में, आप इससे ऑनलाइन बुक कर दीजिए, सब कुछ आपके दरवाजे पर आ जाएगा, आप यूज करिए, वापस छोड़ दीजिए, रेंट पर ले लीजिए। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आई होप कि आपको ये याद होगा, ठीक। और देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि बेसिकली विजुअली एम्पायर्ड लोग के लिए होगा, उसके लिए डेफोडिल्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को चुना है, मैंने आपको यही पढ़ाया हुआ है ना, डेफोडिल्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड विजुअली एम्पायर्ड लोग के लिए एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक। और देख लेते हैं
अरहान बागाटी, ये कौन है? ये अवेयरनेस एंड इंपैक्ट एम्बेसडर ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इन टोक्यो टू हेल्प पैरा एथलीट टू लुक अप एक्सेसिबल प्लेसेस इन टोक्यो ड्यूरिंग 2020 पैरालंपिक गेम्स। याद है ना, तो ये इन टोक्यो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है पैरालंपिक एथलीट के लिए जो कि जापान में जा रहे हैं फॉर पैरालंपिक, और अरहान बागाटी ने इसे लॉन्च किया था। ये भी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए, IIT खड़गपुर ने एक एप्लीकेशन केयर फॉर यू लॉन्च किया था दैट कनेक्ट केयर गिवर टू एल्डरली पर्सन। आप बोलेंगे सर ये नहीं पढ़ता, ये भी पढ़ाया केयर फॉर यू IIT खड़गपुर, ये भी आपको लर्न करना है। ये कुछ नए एप्लीकेशन है जो न्यूज में है और एग्जाम में काफी आते हैं। देख लीजिए और देख लीजिए, मेघदूत एप्लीकेशन, देखिए मेघदूत एप्लीकेशन टू बूस्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू द फार्मर, गवर्नमेंट लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड मेघदूत दैट विल प्रोवाइड लोकेशन एंड क्रॉप एंड लिव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी टू फार्मर टू लोकल लैंग्वेजेस। मतलब कि किसानों को मौसम कैसा होने वाला है फसल के लिए, लिव स्टॉक के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा मेघदूत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि डीवी सदानंद गौड़ा जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था जन औषधि सुगम। ठीक, दिस ऐप विल इनेबल पीपल टू सर्च द जन औषधि जेनरिक मेडिसिन एंड द स्टोर्स एट द टिप ऑफ देयर फिंगर। तो जन औषधि जेनरिक मेडिसिन जो सस्ती मेडिसिन होती है और उनके स्टोर आप जन औषधि सुगम से फाइंड कर सकते हैं कहां पर आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपसे एप्लीकेशन की बात कर ली, क्या चीज बातचीत हो रही है, वेरी गुड। चलिए तो यहां तक हमने बात कर ली गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब नेशनल अफेयर्स न्यूज पर हम बात करेंगे। तो नेशनल अफेयर्स में कौन कौन सी न्यूज आपके लिए हम लेकर आए हैं उसकी बात कर लेते हैं आपसे। चलिए तो अभी हम GI टैग की बात करने वाले हैं, GI टैग, ठीक है। और अगर हम बात करें तो श्री विल्ली पुत्तुर पलकोवा, ये एक तरह का स्वीट डिश होता है, गेट्स GI टैग इन चेन्नई तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का ये प्रोडक्ट है, चेन्नई में इसको GI टैग मिला, श्री विल्ली पुत्तुर पलकोवा। ये क्या है पलकोवा, ये एक स्वीट डिश होता है। अभी आप इस फॉर्म में देख रहे हो, ये मिठाई के फॉर्म में भी आगे बन जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, श्री विल्ली पुत्तुर पलकोवा एक स्वीट डिश है, ये स्टेट तमिलनाडु है और तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट है विरुद्धुनगर, ठीक है। तो ये देख लीजिए तमिलनाडु, ये डिस्ट्रिक्ट भी एग्जाम में पूछी आती है GI टैग में। तो GI टैग की बात हम कर रहे थे, प्रोडक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम आपके सामने है, याद करना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग जो आज से 3-4 महीने पहले दिए गए, हम उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए याद है आपको, कोल्हापुरी चप्पल्स को GI टैग मिला था और ये दो स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को GI टैग मिला फॉर कोल्हापुरी चप्पल। जो रिसेंट GI टैग है एक दिन मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा, बट एग्जाम के लिए क्या जरूरी है हम उसकी बात यहां पे कर रहे थे, ठीक है। अच्छा और देखिए ओडिशा की बात करें तो मालूम है ओडिशा को रसगुल्ला के लिए GI टैग मिला था, है ना। और देखते हैं सिरसी सुपारी जो है कर्नाटक को GI टैग मिला था, और तमिलनाडु के इरोड टर्मरिक हल्दी की बात करें इसको GI टैग मिला था। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 महीने पुराने जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। रेलवे वाले, SSC वाले, बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, सारे बच्चे जो भी हैं सबको ये देखना जरूरी है, ये हर एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, ठीक है। तो हम GI टैग की बात कर रहे थे, GI टैग पर आपको मैंने नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तीनों स्पेसिफाई कर दिया और कुछ रिविजन हल्का सा मैंने करा दिया ताकि आपको ये सब जिंदा रहे आपके माइंड में, बच्चे आप लोग भूल जाते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे। चलिए सब करवा देंगे, बिहार सब करवा देंगे, परेशान मत होइए। अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं, ठीक है। तो अवार्ड एंड ऑनर में हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019। तो इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 की हम बात कर रहे हैं और ये अवार्ड मिला MEIL को। अब ये MEIL कंपनी का नाम क्या है वो मैं आगे आपसे डिस्कस कर लूंगा। फॉर कलेश्वरम प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद मतलब तेलंगाना में कलेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए MEIL को इंडिया कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 मिला।
कंक्रीट का मतलब समझते हैं आप लोगों ने, जिससे हमारे घर पर बनते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनता है जिससे, ठीक है। चलिए, तो हमें अभी इतना क्लियर है कि एक कंपनी है MEIL, इसे कलेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019। अच्छा, याद रखिएगा, कलेश्वरम प्रोजेक्ट में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये किस स्टेट में है? तेलंगाना में। आइए देखिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 2019 किसको मिला? तो ये मिला मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये अवार्ड क्यों मिला? फॉर द आउटस्टैंडिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। तेलंगाना में कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है। देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं ये तेलंगाना में है, याद रखिएगा, कलेश्वरम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अवार्ड किसने रिसीव किया? तो अवार्ड रिसीव किया एन वेंकटेश्वर वरलू ने, जो कि चीफ इंजीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट है, एंड बी श्रीनिवास ने, जो कि MEIL डायरेक्टर है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बट अवार्ड का नाम किसको मिला, क्यों मिला, वो आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, एक अवार्ड और, बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर अवार्ड, एक अवार्ड और देख लीजिए, ये मिला अमेजन बिल्डिंग को, मिला अमेजन बिल्डिंग को, ठीक है। अमेजन बिल्डिंग, आपने इसकी इमेज देखी होगी आजकल काफी न्यूज में भी है, ये है ना। तो ये दो अवार्ड की हमने बात की, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड 19 और बेस्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर अवार्ड, दो अवार्ड की हमने बात की, आपके सामने पूरी न्यूज है, ठीक है। तो अवार्ड एंड प्राइस की हम बात कर रहे थे, आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। अबाउट कलेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, देखिए, इट इज अ मल्टीपर्पस इरिगेशन एंड ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी रिवर, ये भी देख लीजिए, ऑन गोदावरी रिवर ब्रिज अक्रॉस द कलेश्वरम डैम ऑफ तेलंगाना। यानी इस न्यूज से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? कलेश्वरम डैम किस स्टेट में है? तेलंगाना में। कौन से रिवर पे है? गोदावरी रिवर। उसके बाद ये पॉइंट जो आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, हिंदी में भी है, देख लीजिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कलेश्वरम प्रोजेक्ट, आपको मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट थी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ में यह पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ, ठीक। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन June 20, 2019, मतलब ये लेटेस्ट अभी न्यूज में ही है, तो इसीलिए एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जून 20 को इसका इनॉग्रेशन भी किया। तो गाइज मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, कलेश्वरम डैम कहां पे है तेलंगाना में, किस रिवर पे बना है, गोदावरी रिवर, ठीक। उसके बाद मैंने आपको इसकी कॉस्टिंग बता दी और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ और इसके लिए MEIL को कौन सा अवार्ड मिला, यह भी इंफॉर्मेशन। तो मिक्स कर देंगे तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है हमारे, ठीक है। चलिए, अबाउट तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद, गवर्नर अभी इनका भी नया अपॉइंटमेंट है, तो यह भी आपको लर्न करना पड़ेगा, सुंदर राजन जी, ठीक है, गवर्नर। और डैम्स की बात करें, और कौन से डैम इंपॉर्टेंट है, तो श्री सैलम डैम हो गया, नागार्जुना सागर, हालांकि नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश को भी कवर करता है, ठीक है। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, वो भी आपको लर्न करने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए तो गाइज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेरे करंट अफेयर्स में एक एक ऐसा न्यूज होता है जो आपके सर के ऊपर से जाता होगा, बट वो इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो यहां पर होता है, ठीक है। देखिए, यूनेस्को अनाउंस इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज 2019। यूनेस्को ने इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज 2019 की घोषणा कर दी है। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज की हम बात कर रहे हैं गाइस, आइए ये प्राइज किसको किसको मिला हम सारी बात करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। देखिए, अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज 2019। इस अवार्ड को अनाउंस किसने किया? तो इस अवार्ड को अनाउंस किया ऑन्ड्रे अजोली ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, जो कि डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के, ऑन्ड्रे अजोली आपके सामने इनका नाम है। गाइज एक बात और देखिए, यहां पर ज्यूरी है, ज्यूरी का मतलब कि जिन्होंने अवार्डी को चुना, अवार्डी का मतलब जिसको अवार्ड मिला, आपको यह लर्न करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको नाम दे दिया है बिकॉज न्यूज को मुझे पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन यह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा डीप में आपसे पूछा ना जाएगा ना आप याद कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अवार्डी, तो अवार्डी देख लीजिए, एक अल्जीरिया का, देखिए, नेशनल ऑफिस ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन फॉर एडल्ट अल्जीरिया, ठीक, इसको अवार्ड मिला किस लिए? तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर मल्टीलिंगुअल लिटरेसी, ये स्कीम थी इसकी, इसके लिए इसे अवार्ड मिला। और देखते हैं, तो सेनेगल का एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, टेक्सटाइल फाइबर एंड डेवलपमेंट कंपनी, देख लीजिए,
ठीक है, सेनेगल कंपनी, अल्जीरिया सेनेगल, और इनको इसलिए मतलब प्रोग्राम क्या था इनका जिसके लिए अवार्ड मिला। तो एक हो गया अल्जीरिया, एक हो गया सेनेगल, दो देश हो गए, दोनों देश के नाम याद कर लीजिएगा। और मैं तो बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर पाए तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि कंट्री पूछी जा सकती है, तो मैंने आपको दो कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और देखिए अवार्डी फिर कोलंबिया, कोलंबिया की एक अपना एक इंस्टीट्यूशन है कैमेकॉल एंटियोक्वा, ठीक। और देख लीजिए एक इंडोनेशिया हो गया आपका बासा बाली इंडोनेशिया, मतलब कि कोलंबिया, इंडोनेशिया और इटली। तो ये तीन इंस्टीट्यूशन यहां पर देख लीजिए और इनको इसलिए अवार्ड मिला। ये सब इतना डीप में आपको लर्न की जरूरत नहीं है, लर्न करने की। तो अल्जीरिया, सेनेगल, इटली, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इन पांच देशों को के इंस्टीट्यूशन को अवार्ड मिला। और पूरे प्रोग्राम मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से प्रोग्राम के लिए इनको अवार्ड मिला। आई होप कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आपके सामने है इंटरनेशनल लिटरेसी प्राइज की हम बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा एक बात और, ये जो अवार्ड है ये अवार्ड दो कैटेगरी में डिवाइड था, एक यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज, ये मिला है इन दो लोगों को, देखिए इन लोगों को, ठीक है, ये यहां पे लिखा है। और दूसरा देखिए यूनेस्को कन्फ्यूकियस प्राइज फॉर लिटरेसी, तो दो अवार्ड है, एक किंग सेजोंग है और एक क्या है, एक आपका कन्फ्यूकियस है। तो उसमें देखिए दो लोग को अवार्ड मिला है और इस वाले में देखिए तीन लोग को अवार्ड मिला है। तो ये पूरी न्यूज थी आपके सामने, ये लिटरेसी प्राइस की हम बात कर रहे थे। तो लिटरेसी प्राइस का इंफॉर्मेशन मैंने पूरा आपको दिया, आई होप कि आप लोग लर्न कर लेंगे, बट ये टफ होगा थोड़ा सा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब समिट इवेंट और मीटिंग की बात करेंगे। हाँ ठीक है चलिए, तो समिट इवेंट मीटिंग में आपके लिए कौन कौन सी न्यूज हम लेके आए हैं देखिए। यहां पर पहला, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अटेंड द 7th RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम 8 to 10 September। तो अगर हम बात करें हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर कौन है आपको पता है, पीयूष गोयल जी, ये बैंकॉक थाईलैंड में गए सातवीं RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि बैंकॉक में हुई, सातवीं। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है, उसको मैं आगे दूर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान से बस मेरी बात सुनिएगा, मैं एग्जैक्टली मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए इवेंट का नाम क्या है, सातवीं, सेवेंथ रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप मीटिंग, ठीक है। ये कहां पर हुई, ये बैंकॉक में हुआ और पीयूष गोयल जी ने इस समिट को लीड किया, ठीक, इंडिया की तरफ से। तो सातवीं रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बैंकॉक में हुआ, पीयूष गोयल जी यहां पर गए थे। तो ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े देखिए। देखिए इसके अलावा पीयूष गोयल जी ने और कौन, मतलब बैंकॉक में ही और कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो देखिए 16th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग और 7th ईस्ट एशिया इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो ये दोनों मीटिंग कहां पर हुई, ये दोनों मीटिंग बैंकॉक में ही हुई थी। यानी कि आपको मैंने एक न्यूज में तीन समिट कवर की, तीन समिट, एक 7th RCEP है ना, दूसरा 16th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर और तीसरी 7th ईस्ट एशिया इकोनॉमिक मिनिस्टर। तो ये कहां पर हुई, एक साथ बैंकॉक में हुई और पीयूष गोयल जी ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अच्छा और देखिए और एक कंफ्यूजन देखिए, आठवीं RCEP मिनिस्ट्रियल मीटिंग पहले ही हो चुकी, ये अगस्त में हो चुकी, ठीक, बीजिंग चाइना में, मतलब होनी चाहिए सातवीं पहले, बट आठवीं पहले हो गई और सातवीं बाद में हुई, यहां पर कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो 7th RCEP मीटिंग मैंने खुद पढ़ाया आपको, ये अगस्त में हुई थी और अनूप वाधवान जो कि हमारे देश के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आठवीं बीजिंग चाइना में हो चुकी है, तो सातवीं अभी सितंबर में हुई, तो कंफ्यूज इसमें मत होइएगा आप लोग, यही कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, दूसरे समिट इवेंट मीटिंग की बात कर लें, तो आपको बताया कि डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में होने वाला है, उसके लिए एक मीटिंग हुई, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अपेक्स कमेटी फॉर डिफेंस एक्सपो 2020 हेल्ड इन न्यू दिल्ली में हुई, क्योंकि बच्चा यह सोचेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लखनऊ में होने वाला है तो लखनऊ में ही होगा, लेकिन दिल्ली में हुआ, तो यह भी कंफ्यूजन से बचना है आपको, ठीक है। तो नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो 2020 के लिए सर्वोच्च समिति की पहली बैठक हुई, यहां पर आप राजनाथ सिंह जी को और यहां पर आप आदित्यनाथ जी को देख सकते हैं, ठीक। देखिए
इवेंट का नाम क्या था? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अपेक्स कमेटी फॉर डिफेंस एक्सपो 2020 कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये चेयर किसने किया? तो राजनाथ सिंह जी ने इसको चेयर किया, मतलब कि ये चेयरमैन थे इस कमेटी के। ठीक है, दिल्ली में हुआ, लखनऊ में नहीं हुआ, भूलना नहीं, ये पहली मीटिंग थी। चलिए अब देखिए, अबाउट डिफेंस एक्सपो की बात कर लें तो ये सातवां ग्यारहवां एडिशन है, ये ग्यारहवां एडिशन है, लखनऊ में ये होगा 2020 में। और इसकी थीम क्या होने वाली है? इसकी थीम होने वाली है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये सब पॉइंट आपको लर्न करना काफी जरूरी है, अच्छे बच्चों की तरह इसे लर्न कर लीजिएगा। मैं बोलता हूं डेली आपसे कि रोज अगर आप सीए पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर बेकार है। इसे जरूर पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए अब रिपोर्ट और इंडेक्सेस की बात करेंगे। रिपोर्ट और इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक जो कि हर एग्जाम में हमें परेशान करता है। आइए देखते हैं क्या पॉइंट है। इरिट्रिया, इरिट्रिया देश का नाम सुना है? इरिट्रिया, इरिट्रिया टॉप द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज इन प्रेस सेंसरशिप बाय सीपीजे। सीपीजे एक इंस्टीट्यूट है जिसने सर्वे कराया, तो इरिट्रिया जो है वो प्रेस सेंसरशिप में 10 देशों की सूची में सबसे ऊपर है। मतलब प्रेस का मतलब मीडिया, तो मतलब कि मीडिया की बात करें तो मीडिया का कितना अधिकार लिमिटेड है इस देश में, मीडिया है भी कि नहीं है, क्या मीडिया गवर्नमेंट के प्रेशर में काम करती है, इन सब फैक्टर्स पर इंडेक्स निकाला गया है टॉप 10 कंट्रीज का। ये बुरी बात है, टॉप 10 का मतलब बुरी बात है। ठीक है, इरिट्रिया सबसे ऊपर है, 2001 में ही इसने क्या किया था, अपने देश में मीडिया को खत्म कर दिया था। आइए देखते लिस्ट का नाम क्या है, 10 मोस्ट सेंसर्ड कंट्रीज लिस्ट। ये रिलीज किसने किया ये लिस्ट? तो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, सीपीजे। और इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? इरिट्रिया ने टॉप किया। इरिट्रिया एक देश है। ठीक, तो हमने इसकी बात कर ली, तो ये बेसिकली जर्नलिस्ट के लिए है, जर्नलिज्म के लिए लिस्ट है। तो 10 मोस्ट सेंसर्ड कंट्री लिस्ट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए आइए आपको टॉप 5 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले पे इरिट्रिया, दूसरे पे नॉर्थ कोरिया। अब ऑफकोर्स होगा ही नॉर्थ कोरिया, पता है नॉर्थ कोरिया में टीवी चैनल की आप बात करेंगे तो केवल 3 चैनल आता है, एक नॉर्थ कोरिया का न्यूज चैनल और 2 नॉर्थ कोरिया के ही चैनल होते हैं जिसमें किंग जोंग उन और उनके फैमिली के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरी। और एक नियम भी है, एक टाइम भी है, टाइम फिक्स है कि इस टाइम पर टीवी आपको देखना है, देखना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, मतलब आप गायब हो जाते हैं वहां पर। ठीक, तो नॉर्थ कोरिया, 3rd तुर्कमेनिस्तान, 4th सऊदी अरेबिया एंड 5th चाइना, चाइना भी है। ठीक, तो ये 5 टॉप कंट्रीज हैं, देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको टॉप 10 कंट्रीज के दिखा दूं, देखिए चाइना था 6वें पे, वियतनाम 7वें पे, ईरान 8वें पे, इक्वेटोरियल गिनी 9वें पे, बेलारूस और 10वें पे क्यूबा, इंडिया इसमें नहीं है। ठीक, तो अगर हम टॉप 10 सेंसर्ड कंट्रीज की बात करें तो इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरेबिया, चाइना, वियतनाम, ईरान, इक्वेटोरियल गिनी, बेलारूस एंड क्यूबा। देखिए क्यूबा भी आपको लर्न करना पड़ेगा, या तो टॉप पूछेगा या तो लास्ट पूछेगा, है ना, क्यूबा लास्ट में टॉप मतलब 10वें नंबर पे। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, इरिट्रिया के बारे में बात करें तो इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा है, करेंसी इरिट्रियन नकफा है और प्रेसिडेंट या के ईसाइयस अफे वेरकी हैं। तो प्रेसिडेंट का नाम चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, बट आप इसे और इसे स्किप नहीं कर सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस ये हैं इसके। चलिए बहुत अच्छा, क्यूबा हवाना पे सुकून है, हरीश चौधरी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक्स्ट्रा हाईलाइट की। आज हमारे एक्स्ट्रा हाईलाइट में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज सारी की सारी होंगी। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो थाईलैंड की हम बात करेंगे। थाईलैंड बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू अनविल प्लेन सिगरेट पैकेजिंग। प्लेन सिगरेट पैकेजिंग का मतलब कि आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ को लेकर जो आपको पता है ना कि 17 हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं उसमें हेल्थ भी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नॉर्म्स अपने निकाले थे, उस नॉर्म्स के हिसाब से जो सिगरेट्स होते हैं ना उस पर उसकी ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, कंपनी का नाम वो सब नहीं होना चाहिए, सादा मतलब प्लेन। तो हमारे अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो थाईलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री। अगर हम पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने अपने देश में टोबैको प्रोडक्ट्स को कलरफुल चेंज कर दिया था, मतलब कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई लोगो नहीं। ठीक है, देख लीजिए कोई नाम वाम नहीं, जैसे नाम होता है हमारे देश में ना, नाम वाम नहीं। ठीक है, देखिए तो सादा सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला थाईलैंड पहला एशियाई राष्ट्र बन गया है। ठीक, थाईलैंड फर्स्ट एशियन नेशन टू अनविल प्लेन सिगरेट पैकेजिंग, क्लियर ठीक, टू रिड्यूस द, ठीक है वो सबको पता है, हाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के हिसाब से ये बात हो रही है। ठीक है,
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यह भी बोला गया है कि मतलब कि दिसंबर 8, 2019 से आपका यही स्टॉक आएगा, स्टॉक का मतलब भंडार जो हम कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई नहीं मानता है तो उसे 40,000 बहत मतलब कि $1,300 का जुर्माना भी लगेगा उसके ऊपर, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया पहला देश था, ठीक है। तो ये भी हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, हंगरी, यूके सबने मतलब फॉलो किया। एशिया की बात करें तो एशिया में थाईलैंड पहला देश बन गया हमारा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने आज के दूसरे न्यूज की। तो आज के दूसरे न्यूज की बात करें, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश इन द लैंसेट जर्नल, इंडिया इज रैंक फोर्थ, इंडिया, ये भी एक इंडेक्स क्वेश्चन है, इंडिया इज रैंक फोर्थ इन ग्लोबल मलेरिया केसेस इन 2017। तो 2017 की रिपोर्ट आई है जिसमें मलेरिया अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट निकाली गई और भारत चौथे नंबर पर है, भारत चौथे नंबर पर है। और अगर आप भारत से पहले के तीन देश देखेंगे तो नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मोजाम्बिक, मतलब कि तीनों अफ्रीकन कंट्री भारत से आगे, और चौथे पे इंडिया। मलेरिया की हम बात करें तो ठीक है, तो यह भी बहुत बुरा, बहुत बुरी चीज है हमारे लिए। देख लीजिए, तो फोर्थ इंडिया को चौथी रैंक मिली है ग्लोबल मलेरिया केसेस इन 2017। और इंडिया से पहले जो तीन देश हैं उनके नाम भी आपके सामने हैं, उनके नाम नाइजीरिया, कॉन्गो और मोजाम्बिक है। तो इंडेक्स पर एक न्यूज और थी जो हमने एक्स्ट्रा हाईलाइट में कवर की। और इंडिया हैज 4% ऑफ द केसेस वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे दुनिया में जितना मलेरिया होता है उसका 4% इंडिया में। गलती इंडिया की नहीं, गलती यहां की पॉपुलेशन की है ना। चलिए आगे बढ़ते, न्यूज नंबर थ्री की बात करते हैं। और न्यूज नंबर थ्री में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू ऑफर काउस फॉर ऑनलाइन अडॉप्शन। तो एमपी सरकार मध्य प्रदेश में गाय को, गाय मतलब काऊ को, ऑनलाइन एडॉप्शन की पेशकश कर रहा है कि मतलब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन किसी काऊ को अडॉप्ट कर सकते हो, और आप अडॉप्ट करते हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। चार्जेस क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, बट मध्य प्रदेश आपको यह नाम याद रखना है, ठीक है। देखिए एमपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, और नए इनिशिएटिव के हिसाब से अगर आप काऊ को अडॉप्ट करते हो तो कम से कम 15 दिन के लिए आपको काऊ अडॉप्ट करना पड़ेगा, कम से कम। मैक्सिमम आप लाइफ टाइम के लिए काऊ अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन क्या क्या उसकी फीस है देख लीजिए। देखिए अगर आप लाइफ टाइम काऊ अडॉप्ट करते हो तो आपको 3,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, 3,00,000 रुपए, ठीक है। और ये हो गया, अच्छा, और अगर आप एक साल के लिए अडॉप्ट करते हो तो आपको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक, ये भी इंफॉर्मेशन। अच्छा, दोज अडॉप्टिंग फॉर अ मंथ, अगर आप एक महीने के लिए अडॉप्ट करते हो तो आपको 2,100 रुपीज देने पड़ेंगे, और 15 दिन के अडॉप्ट करते हो तो 1,100 रुपए देने पड़ेंगे। तो लाइफ टाइम 3,00,000 रुपए, एक साल के लिए 21,000 रुपए, और अगर आप एक मंथ के लिए अडॉप्ट करते हो तो 2,100 रुपए, 15 दिन के लिए तो 1,100 रुपए, मिनिमम 15 दिन ही है, 15 दिन के लिए 1,100 रुपए, याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर थ्री की बात करते हैं। न्यूज नंबर थ्री आपके सामने, 22nd सेशन, यानी ये समिट इवेंट का है, 22nd सेशन ऑफ द यूएन कमेटी ऑन सीआरपीडी हेल्थ एट यूएन एचआरसी जिनेवा। यूएन एचआरसी क्या है शायद आपको पता होगा, नहीं पता यहां से आपको टफ लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए एक मीटिंग हुई, मीटिंग का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो ऐसे पर्सन जो कि डिसेबल है उनके राइट्स के लिए एक मीटिंग हुई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। कहां पर हुई वो बाद में, ये 22वां सेशन था, 22वां एडिशन था, ठीक, 22वां एडिशन था। ये कहां पर हुआ, तो ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि जेनेवा में है वहां पर यह मीटिंग हुई। बेसिकली ह्यूमन राइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए यहां पर इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया, तो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया मिस सुकन शाकुंतला डी गैमलिन। शाकुंतला डी गैमलिन ने इंडियन डेलीगेट को लीड किया जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो देख लीजिए हमने आपको एक और इंडियन ब्यूरोक्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, शकुंतला डी गैमलिन, ये कौन है, ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इंडिया की डेलीगेशन को लीड इन्होंने किया। ये देख लीजिए कौन सी कमेटी थी, कौन सा एडिशन था, कहां पर हुआ, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किसने किया, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। समिट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देख लीजिए।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वियतनाम की बात करेंगे। वियतनाम ओपन्स साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म। तो वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म खोला है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। वियतनाम ओपन साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म। देखते देखिए, हम वियतनाम की बात कर रहे थे, तो वियतनाम ने साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म लॉन्च किया है, जिसकी कैपेसिटी होगी 688 मिलियन किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होगी। मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था एक्स्ट्रा हाईलाइट में हमारे पास आज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़े आपसे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, वियतनाम वाला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ की। देखिए, एक इंसान है, उसने पोर्टेबल लॉन्चर लिया हुआ है। देखिए, तो डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप एमपीएटीजीएम मिसाइल। डीआरडीओ ने एमपीएटीजीएम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो कि पूरी तरह से भारत में बना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। आइए देखते हैं क्या पॉइंट हमारे पास है। देखिए, डीआरडीओ की हम बात कर रहे हैं, डीआरडीओ ने परीक्षण किया, ठीक, किसका किया? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपीएटीजीएम, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन द रेंज ऑफ कुरनूल आंध्र प्रदेश। अच्छा, यह भी क्वेश्चन बनता है, कहां परीक्षण किया गया? तो अगर हम मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में इसका सफल परीक्षण हुआ। किसने किया? डीआरडीओ ने। यह न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद आपको करना है, याद करेंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात कर लें तो बढ़िया न्यूज भी है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेकंड, दूसरी, देखो ये सब पॉइंट भूलना मत, भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू बी कमीशन्ड ऑन सितंबर 28। तो भारत की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जो है ये 28 सितंबर को हमारे देश के नौसेना में शामिल हो जाएगी। भूलना नहीं है, सेकंड सबमरीन क्लास सबमरीन की बात कर रहे हैं, तो पहली कौन सी थी? आइए सारी न्यूज आपको देते हैं। देखिए, इंडिया की दूसरी स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन, नाम क्या है इसका? नाम है आईएनएस खंडेरी, नाम याद रखिए। विल बी कमीशन इनटू नेवी बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन मुंबई। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपसे पूछा था कहां पर, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं और इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब दूसरा सबमरीन है, नाम क्या होगा, नाम बता दिया गया आपको, ये कहां पर कमीशन किया जाएगा, मुंबई में कमीशन किया जाएगा। अच्छा, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, मतलब डीजल से भी चलेगा और दो इंजन लगेंगे इसमें, ठीक है, सबमरीन है। हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इन मुंबई। ये भी पूछा जाता है कि भाई ये सबमरीन किसने बनाया, ये सबमरीन को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में बनाया और मुंबई में कमीशन भी होगा, ठीक है। ये सारी न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, द फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस कलावरी। ये देखिए, ये पॉइंट भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ये 17 में ही इंडियन नेवी में कमीशन हो चुका है, 17 में ही। तो पहला नाम भी हमने आपको बता दिया, दूसरा नाम भी हमने आपको बता दिया, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और ये सब क्या है बेटा, ये सब प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, जहां पर टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप किया जाएगा, दो हो चुके हैं, 4 और बाकी हैं। देख लीजिए, प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। चलिए, तो ये भी न्यूज, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी। हमने इसके पहले आपसे मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात की और फिर अभी हमने आपसे सबमरीन क्लास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की बात की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे अक्रॉस द कंट्री इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा फ्रॉम 11 सितंबर टू 2 अक्टूबर। तो 11 सितंबर से 2 अक्टूबर, ये डेट आपको याद रख लेनी है बेटा, 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय रेलवे पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा ये कैंपेन चलाएगी। मतलब हर जगह आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन दी जाए। इंडियन रेलवे, डेट ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ट्रैक एशिया कप कहां पे हो रहा है, तो ट्रैक एशिया कप जो हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। देखिए यहां पर मैंने आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है, रोनाल्डो लाइटोन जाम, ये इंडिया के ही है, नाम अंग्रेजी है बट दिल हिंदुस्तानी है, तो इन्होंने अपना 4th गोल्ड जीता। ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए। देखिए ये देखिए पहले कि ट्रैक एशिया कप कहां पर, न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक। अच्छा, अब ओवरऑल की बात करें तो इंडिया ने इस टूर्नामेंट में टॉप किया है,
टोटल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये कहां पर हुआ? ये आईजीआई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि ट्रैक एशिया साइकिलिंग कहां पर हुई। तो ये कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है। इंडिया ने 10 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब इसमें से 4 मेडल जो है वो रोनाल्डो लाइटन जाम के हैं। तो ये अब इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से शुरू, मतलब यहां के बाद यहां आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको लर्न करना है। देख लीजिए पूरा आराम से, नोट्स वगैरह बना रहे तो लिखते भी रहिएगा साथ साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर पे, उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर, पहले पे कौन? इंडिया, दूसरे पे उज्बेकिस्तान। तो ये न्यूज हमारी यहां पर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे और एमसीक्यूज की बात करेंगे और एमसीक्यूज में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आपको इसका आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखिए। इंडिया एंड विच अदर कंट्री रिसेंटली इनॉग्रेट द मोतिहारी अमेलखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन। तो आपको ये पता है ये कौन सा देश है? हमने कहा आपके इसकी लेंथ, कैपेसिटी, सब कुछ, कॉस्ट सब कुछ बता दिया था, कितने टाइम पर ये बना। तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाइज इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का एक ताबड़तोड़ सेशन है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन। विच स्टेट सेटअप इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। तो यह भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, ये कौन सा स्टेट है, कहां पर यह बनेगा और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरला। ऑप्शन नंबर सी, केरला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नीति आयोग हैज टाइड अप विथ विच कंपनी टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर। याद करिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट में कल आपको यह पढ़ाया था। और ये कहां पर बनेगा, ये किस कंपनी, ये दिल्ली में बनेगा होता है और किस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ था? तो मैकेंसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द गुरुग्राम पुलिस टाइड अप विथ विच कंपनी फॉर डिसेमिनेशन ऑफ ट्रैफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम फॉर पब्लिक यूज। तो गुरुग्राम पुलिस ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है फॉर दैट रीजन? वी हैव फोर ऑप्शन, गूगल, हेल्वी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। व्हाट इज योर आंसर? एंड द आंसर इज गूगल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गूगल इज राइट आंसर। ओके गाइस, लेट्स मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आवर। रिसेंटली विच टाइफून हिटेड द सिटी ऑफ टोक्यो। कल हम इस पर बात कर रहे थे, मैंने आपको रग्बी वर्ल्ड कप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी है ना। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका फक्साई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर हेल्ड इन विच कंट्री। मैंने आपको हरदीप सिंह पुरी जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि इंडियन डेलीगेशन वो लीड कर रहे हैं। और ये कहां पर? तो ये कहां पर, याद करिए कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ? ये ग्रीस में हुआ। ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ग्रीस। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया रेटिंग्स कटेड द फाइनेंशियल ईयर 20 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टू हाउ मच परसेंट। कल मैं आपको यह पढ़ा चुका हूं, पहले 15% था, इसे कम किया गया और यह कम करके कितना परसेंट हो गया यह आपसे पूछा जा रहा है। और इसका आंसर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज 10-12%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज साउथ अफ्रीका इंटरिम बैटिंग कोच। साउथ अफ्रीकन टीम का इंटरिम बैटिंग कोच किसे बनाया गया है? तो हमको पता है, हमने पढ़ा था कल, इनका नाम है अमोल मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डिएगो मैटोस हैज बीन गिवन अ लाइफ बैन फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। ही बिलोंग टू विच कंट्री? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इन पर लाइफ टाइम बैन लग गया और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? याद करिए, और ये खिलाड़ी हैं आपके ब्राजील के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टेनिस खिलाड़ी हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हु वॉज स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन ऑफ उड़ीसा, नक्सल हिट रीजन। ये न्यूज मुझसे स्किप हो गई थी बट एमसीक्यू में मैंने इसे डाल दिया बिकॉज आपको इतना ही पढ़ना है, इससे कुछ नहीं पढ़ना है। प्राइवेट कंपनी में ये बनी है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनुप्रिया लकड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू पास द महापरीक्षा। 16 साल की अवस्था में, एज में इन्होंने ये पास किया है और इनका नाम क्या है? आपको ये पता है, इनका नाम है प्रियव्रत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Recently, Hira Lal Sharma passed away. He was related to which field? ये राजस्थान से belong करते हैं Hira Lal Sharma. और ये क्या थे? ये एक freedom fighter थे. Option number C, freedom fighter. Hira Lal Sharma जी की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान से ये belong करते हैं, guys. भूलिएगा नहीं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और next news की बात करते हैं. हमारा next news. Who is the author of the book Savarkar Echoes from a Forgotten Past? 1883 to 1924. कल मैंने आपको ये पढ़ाया था और मैंने ऑथर का नाम भी आपको दिया था और इनका नाम क्या है? विक्रम संपत. ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संपत इज राइट आंसर. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली डॉक्टर रालेफ ई गोंजाल्वेस अराइव्ड इंडिया फॉर अ विजिट. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर है ये आपसे पूछा जा रहा है. ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है. पर्सन ऑन विजिट, ये भी न्यूज हमसे स्किप हो गई थी तो आपके एमसीक्यू में है. अगर आप सेशन को डेली फॉलो करेंगे एक भी करंट अफेयर्स का न्यूज आपसे मैं जाने नहीं दूंगा. यहां नहीं तो वीकली रिवीजन में जरूर आपको मिलेगा. और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेंट विंसेंट. ऑप्शन नंबर सी, सेंट विंसेंट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, India is planning to build up a multidisciplinary super specialty hospital in which country? तो भारत प्लान कर रहा है किस देश में ये हॉस्पिटल बनाने के लिए? और इसका आंसर क्या होगा? भूटान. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will head the panel that has been set up to oversee the bifurcation of Jammu and Kashmir into two union territory? Asset liability वाली बात कल मैंने आपसे कुछ की थी. We have four options. What is your answer, guys? And the right answer is Sanjay Mitra. Do log ORS committee mein hai na. Chali, next question. Recently, which application has launched for a farmer to get cutting affordable technology at their doorstep? मैंने अभी आपको ये revision कराया और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है CHC Farm Machinery. Option number C is right answer. बड़ी अच्छी बात है. Next question. Who won the junior doubles trophy at the 2019 US Open? मैंने आपसे बोला था कि US Open, French Open, Wimbledon, Australian Open ये बड़े इवेंट हैं और इसमें सारे पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए. मैन सिंगल, फीमेल सिंगल से काम नहीं चलेगा, आपको डबल्स, मिक्स और जूनियर भी पढ़ना पड़ेगा. तो जूनियर मैंने आपसे पूछा है ये सोचकर कि आपने पक्का याद नहीं किया होगा. चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं. इसका आंसर देखिए उक्साना एंड कमिला, ठीक है? ये दो नाम याद कर लीजिएगा. चलिए तो गाइज ये था हमारा सेशन. भूलिए नहीं आईबीबीएस क्लर्क मेंस की वैकेंसी आ चुकी है. 12,000 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है. 12,000 काफी होता, देख लीजिए. और अगर आपको हमारे कोर्सेस ज्वाइन करने हैं तो आपको एएम लाइफ कोच अप्लाई करना है. एएम लाइफ कोच आपका एक साल की फीस हो जाएगी 4,500. और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तो आपकी 8,000 की जो फीस है वो 7,200 हो जाएगी. एएम लाइफ कोच भूलिएगा नहीं. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग. आप आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमसे भी आप शायद मोटिवेट होते हैं. बेटर से बेटर कंटेंट आपको हम देने की कोशिश करते हैं. तो कल फिर हम मिलेंगे सीए के साथ. और अभी राइट नाउ हम बात करने वाले हैं 10 AM पे बैंकिंग अवेयरनेस की. काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये हमारा होने वाला है तो ज्वाइन करिए इसे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए. थैंक यू सो मच.